हेलो गाइस, मैं ऋषभ और टेक न्यू लेक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस में प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट करना होगा। जैम, यस, और अपाचे और MySQL स्टार्ट करनी होगी। अपाचे MySQL ये दोनों स्टार्ट करना होगा, इसके बिना आपका लोकल होस्ट ओपन नहीं होगा। स्टार्ट हो गया है। अब अपने ब्राउजर में आप सर्च करो लोकल होस्ट, और जो भी आपके वर्डप्रेस का ये लिंक था, जैसे मेरा है newlake/newlake, जो आपने रखा है वो आपको यहाँ पे इंटर करके सर्च करना होगा। तो ये देखो मेरा ये फ्रंट एंड खुल चुका है वर्डप्रेस का। अब आपको ये यहाँ पर डैशबोर्ड जाना होगा बैकएंड में। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्लगइन्स और अपीयरेंस में थीम, ये दोनों ऑप्शंस दिख जाएंगी। तो पहले चलते हैं प्लगइन्स में। यहाँ पर पहले से दो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, और आप ऐड न्यू में जाकर और बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लगइन्स के लिस्ट आ गए। पॉपुलर में जाओगे तो जो सबसे ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है वो आपको दिख जाएंगी। WooCommerce, ये ई-कॉमर्स के लिए होता है, ये SEO के लिए होता है, Yoast SEO। यहाँ पर आप जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ WordFence सिक्योरिटी प्लगइन, ये है, ठीक है। इसको अगर इंस्टॉल करना है तो आप जस्ट सिर्फ आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना होगा। इंस्टॉल नाउ, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग। अब जितने प्लगइन्स चाहो उतना प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत सिंपल है इंस्टॉल करना। तो अब आप देख सकते हो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको इसको एक्टिवेट करनी है तो जस्ट आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा, और ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुकी है। और अब आपको अगर इस प्लगइन को की सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। वर्डफेंस देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जाके इस प्लगइन की सभी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अब ये प्लगइन डीएक्टिवेट करनी है तो प्लगइन लिस्ट में जाकर जो ये है यहाँ पर देखो, आप डीएक्टिवेट का ऑप्शन है। अगर आप डीएक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगी। जस्ट डीएक्टिवेट कर दो आप। इसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप डेटा रख सकते हो और या तो सभी डेटा डिलीट कर दो। मैं सभी डेटा डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डीएक्टिवेट एंड डिलीट डेटा। अब आप देख सकते हो ये प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब एक्टिवेट का और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये प्लगइन डिलीट करनी है तो जस्ट आप डिलीट पर क्लिक कर दो, ये आपकी वेबसाइट से डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो चुकी है। तो इतना था प्लगइन एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और डिलीट करने के लिए। अब चलते हैं थीम इंस्टॉल करने के लिए। थीम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपीयरेंस और थीम्स में। यहां पर देख सकते हो आप तीन थीम्स प्री इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी आप थीम इंस्टॉल कर एक्टिवेट करना चाह रहे हो तो जस्ट आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। तो ये अभी जो थीम एक्टिवेट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिक, और जो दूसरी जो थीम आप एक्टिवेट करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी उसकी जगह पर। अगर आपको नई थीम ऐड करनी है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं थीम के जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेबसाइट के अनुसार आपको कैसा वेबसाइट बनाना है। तो चलो मैं करता हूँ अभी ये न्यूज पेपर। इसको इंस्टॉल करने के लिए अब जस्ट इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है, या तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। प्रीव्यू पे क्लिक करके ये थीम देखो, आपको ये थीम ऐसा दिखेगा जब आप इंस्टॉल करोगे तो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ इंस्टॉल पे क्लिक करके। अब आप देख सकते हो ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक्टिवेट आप यहाँ से भी कर सकते हो एक्टिवेट, नहीं तो थीम्स में भी जाकर जहाँ पर सारी लिस्ट थे वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो चलो एक्टिवेट करते हैं। ये थीम अब एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। अब आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज पर क्लिक करके ये थीम की लुक चेंज कर सकते हो अपने वेबसाइट के अनुसार कस्टमाइज करके। देख सकते हो आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, थीम ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, फ्रंट पेज, हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज, सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम पीछे चलते हैं।
तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अभी चार थीम इंस्टॉल्ड है, पांच थीम है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर आपको कोई भी थीम डिलीट करनी है तो आपको सेंटर पर क्लिक करना होगा। मैं ये थीम डिलीट करके दिखा रहा हूँ, 2021। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे साइड में नीचे में डिलीट का ऑप्शन है, तो जस्ट इस पर क्लिक कर दो, ओके, और ये थीम डिलीट हो जाएगी आपके वेबसाइट से। ठीक है, अगर आपको दूसरी थीम एक्टिवेट करनी है तो जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक कर दो, दूसरी थीम एक्टिवेट हो चुकी है और वो खुद ब खुद पहले वाली थीम डीएक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, अब इसे भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ओके। तो अब आपने देखा कि वर्डप्रेस पर कैसे हम थीम एक्टिवेट, डीएक्टिवेट और डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।